लास्ट सेशन ऑफ द दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा वैलिडिक्ट्री में मिलेंगे जहां कोई सेशन नहीं होगा, पर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे जो हमने इन 5 दिनों में किया है. तो आज का ये लास्ट सेशन है और बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है ये हम सभी के लिए. अगर आप ट्रेनिंग शेड्यूल को देखेंगे तो हमने शुरू किया था नेशनल आईसीटी इनिशिएटिव से कि क्या क्या हो रहा है नेशनल लेवल पे. फिर हमने देखा था कि किस तरह के डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. अब क्योंकि हमने देख लिया डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, तो अब हम बनाने की बात करेंगे. तो बनाने से पहले हमने बात की थी एक्सेसिबिलिटी की और OER और लाइसेंसेस की, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो या तो कुछ रिसोर्स ढूंढेंगे और कुछ खुद बनाएंगे, उनको कैसे डील करना है उसके लिए हमने लाइसेंसेस को सीखा. फिर हमने सीखा कि रिसोर्स बनाना कैसे है, उसकी प्री प्लानिंग, जो स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड वाला सेशन हमारा था ई कॉन्टेंट डेवलपमेंट के लिए. यहाँ से हमारा एक्चुअल सफर शुरू हुआ कि ई कॉन्टेंट हमने डेवलप करने शुरू किए, जैसे कि डिफरेंट टूल्स के माध्यम से, और वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट हमने इस दौरान बनाया या बनाने की एटलीस्ट कोशिश की. अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग टूल्स, अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने कंटेंट बना लिया तो उसके इवैल्यूएशन की बात हमने की कि हमने अगर कंटेंट बनाया है तो हर स्टेज पे एक तो हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, दूसरा एज ए एक्सपर्ट भी हम उसे अपने को टीचर्स से भी इवैल्यूएट करवाते हैं कि वो कंटेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे ठीक है या नहीं है. इसके अलावा हमने लास्ट में एक और बात की थी जो कल लास्ट सेशन था हमारा, वो था कि किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कंटेंट को क्लासरूम के अंदर. एक मिनट. तो आपने उसमें देखा कि कंटेंट जो हम बना रहे हैं टेक्नोलॉजी को और पेडागोजी के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, इसके ऊपर डॉक्टर एंजल ने हम लोगों को गाइड किया. तो इस दौरान हमने बहुत वैरायटी ऑफ चीजें देखी, सीखी. और अब क्योंकि हम जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहां पे हम डिफरेंट पोर्टल्स पे जा रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हर जगह रजिस्टर कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का हमें वहां पे सिक्योरिटी का ध्यान अपने लिए रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं. आई वेलकम यू निशा मैम फॉर दिस सेशन. And we have with us Ms. Nisha Dua. She is from Cyber Peace Foundation, and she's actively involved in the cyber security and safety area. And now I'll request ma'am to please take over this session and guide us through the different behaviors we should adopt in the cyber world. Welcome, and over to you, ma'am. Thank you. Good afternoon and namaskar. मेरा तो डिटेल बताई ही दिया है मोनिका ने. सो सम ऑफ यू ऑल्सो मे नो मी थ्रू द ई रक्षा प्रोग्राम. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर बेहरा, डॉक्टर इंदु, डॉक्टर भारती और डॉक्टर एंजल, इन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू. इट इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, एंड मुझे लगता है कि हमें इसको आप लोग इतने इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पर्सन हैं एजुकेशन में, उनको और हमें ये आपके स्टूडेंट्स को, आपके प्री सर्विस टीचर्स को, सबको ये हमें ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. जैसे मोनिका मैम ने बताया कि आप लोग बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन में बहुत इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम कैसे ले रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में सब कुछ है, और हम क्या दांव पे लगा रहे हैं, हम अपनी और अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी दांव पे लगा रहे हैं. तो गिव मी अ मिनट, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और फिर सेशन की शुरुआत करते हैं. ये जो सेशन है
ये मैं जनरली इंटरैक्टिव सेशन करना पसंद करती हूँ. ऑनलाइन में थोड़ा सा तो हो जाता है कि भाई कनेक्टिव, अगर मैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करूँ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं हो पाता और उसमें टाइम भी अभी लगता है, तो हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है तो मैं इंटरैक्टिव करने की कोशिश करूंगी. सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आपसे आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप करिए, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए कि भाई ये सेशन जो जिसके लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं, मैं अपना टाइम दे रही हूं और एनसीईआरटी ने ऑर्गेनाइज करा है, इसकी हम फुल वैल्यू आप लोग उठा सके, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सके. सो मेरा टॉपिक है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल की दुनिया है तो हम रियल लाइफ से ज्यादा हम लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में होते हैं अपने वेकिंग आवर्स. अब जैसे कि हम लोग 12-15 घंटे जगे हैं, 15 घंटे में आप ये देखिए कि आप कितना ऑनलाइन से मटेरियल ले रही हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज तैयार कर रहे हैं, और कोविड के टाइम तो सब कुछ ही ऑनलाइन था. तो ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड में बहुत कम अंतर होता है, इनफैक्ट कोई अंतर ही नहीं है. सो जो हम सेफ्टी इश्यूज जो हमारे रियल वर्ल्ड में हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो और भी ज्यादा है. इसलिए जो प्रिकॉशंस हम रियल वर्ल्ड में करते हैं वो हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में भी बहुत बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हमें करने चाहिए. सो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन. आई नो ये लास्ट सेशन है और आप लोग वेट कर रहे हैं वैलिडिक्शन का, तो जैसे जैसे आप मुझे रिप्लाई करते रहेंगे हमारा सेशन फटाफट वैसे वैसे चलता रहेगा. सो मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि हैज द इंटरनेट कनेक्टेड पीपल टुगेदर, लोगों को एक साथ जोड़ा है, और या फिर आइसोलेटेड पीपल, या फिर लोगों को दूर दूर कर दिया है, सब अपने अपने दायरे में हो गए हैं, कि इंटरनेट ने लोगों को जोड़ा है या लोगों को दूर दूर कर दिया है. ए, अगर आप ए से अग्री करते हैं तो टाइप ए इन द चैट बॉक्स, अगर आप बी से अग्री करते हैं तो टाइप बी इन द चैट बॉक्स. मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी. मोनिका आपकी हेल्प चाहिए होगी अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग ए और बी का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड. तो आप फटाफट ए या बी डालिए, आप जिस भी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं. विभाग के निर्देशानुसार हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इस बार. रन रन मैम एक सेकंड, लेट मी जस्ट म्यूट दिस पार्टिसिपेंट. विद्यालय का रंग. Okay, so ma'am, we have, I would say, a very equal distribution of A and B, with many of them still mentioning both. ये बहुत ही बढ़िया आंसर है क्योंकि इंटरनेट दोनों करता है. इंटरनेट हम लोग को और लोगों से जोड़ता भी है और इंटरनेट हम लोग को लोगों से अलग अलग भी करता है. अब जोड़ता कैसे है कि हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, और जो दूर दूर के लोग होते हैं हम उनसे तो कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनसे हम जुड़ना कम कर देते हैं. जैसे अगर आप कहीं भी जाइए, चाहे किसी मैरिज फंक्शन में जाइए, चाहे कोई फंक्शन में जाइए, चाहे आप मेट्रो में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आप देखेंगे कि बस लोगों के सामने अपना स्मार्टफोन होता है और उसमें वो सिर घुसाए रहते हैं और वो भूल जाते हैं आसपास कोई है. इवन फैमिली में डाइनिंग टेबल पे लोग स्मार्टफोन, अब फैमिली अपने बच्चे और पेरेंट्स अपने अपने स्मार्टफोन या फिर आईपैड या टैबलेट में लगे रहते हैं. तो बिल्कुल ठीक आंसर है, ये कनेक्ट भी करता है और ये आइसोलेट भी करता है. अब ये हमारे हाथ में है कि हमें कितना किससे और कितना कनेक्ट करना है और किससे और कितना आइसोलेटेड रहना है. हम स्ट्रेंजर्स से तो कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन हम अपनों से आइसोलेटेड होते जा रहे हैं. क्यों होता है ऐसे? तो ये इसलिए होता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर सोशल एनिमल. ये एक्सक्यूज मी, कैन वी हैव द एवरीबॉडी म्यूटेड, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज. थैंक यू. सो क्यों ये सब होता है? फैसिनेशन है इंटरनेट का. इंटरनेट नया है, ये नया खिलौना अपनी हमारी जिंदगी में है. तो कम्युनिकेशन, वी ह्यूमन बीइंग्स वांट टू कम्युनिकेट, वी वांट टू कनेक्ट, कनेक्शन क्रिएशन, हम नई नई चीज बनाना चाहते हैं.
हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम इंटरनेट सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, चाहे वो अपनी टिकट बुकिंग हो, है हम लोग फन एडवेंचर थ्रिल हमें लाइफ में अच्छा लगता है, हम गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं और कुछ पढ़ते हैं, और स्पेशली जो आगे इंडिपेंडेंस वगैरह ये यंग लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि यंग लोगों को लगता है ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, तो उसमें मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे आसपास घूम नहीं रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं यंग लोग। और इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है टू बी हर्ड, कि आपकी आप अपनी आवाज, आप अपना जो भी सोच है आपकी लोगों तक पहुंचा चुके। और लास्ट टू में से एक है नो इमीडिएट जजमेंट। हमें लगता है कि हम लैपटॉप के पीछे, स्क्रीन के पीछे शेर हैं, हम अपने घर के सिक्योर एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कोई स्ट्रेंजर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगती है। तो इमीडिएट जजमेंट और जैसे मैं पोस्ट कर रही हूँ किसी के, किसी से मेरा झगड़ा हो गया तो मैं उसके बारे में कुछ गलत पोस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को इमीडिएट रिटेलिएशन नहीं होता है, बाद में जरूर होता है और हमेशा के लिए होता है, वो बात अलग है। तो हमारे पास एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, हमारे पास एनोनिमिटी रहती है, हमको लगता है कि हम लैपटॉप के पीछे कुछ भी पोस्ट करते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी पोस्ट करेंगे हमारा आईपी एड्रेस तो जा रहा है ना, हमारा नाम डिटेल्स तो जा ही रहे हैं, तो जो भी हम पोस्ट करते हैं वो तो हमारे ऊपर एट्रीब्यूट होगा। तो ये फैसिनेशन है जो इंटरनेट का है, जो एडल्ट्स, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, एडुकेटर्स, एवरीबॉडी इज फैसिनेटेड टू दिस। अभी इंटरनेट के एजुकेशन सेगमेंट में बहुत एडवांटेज है, मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जब कोविड हुआ तो आप लोगों ने अपना अपनी बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रखी। आप लोग पेडागोजिस्ट हैं, हैं? A lot of people amongst you may not be digital teachers, may not be digitally savvy, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने पेडागोजिस्ट के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी का भी हैट उठाया, वो भी एक्सपर्टीज ओवरनाइटली, और मेक श्योर करा कि आपके स्टूडेंट्स, चाहे वो प्री सर्विस टीचर्स हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, उनका एक जीरो ईयर ना हो। तो कितनी ऑनलाइन लर्निंग हुई है कोविड के टाइम पे, हुई है कि नहीं? और ये दिस इज क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। सो एडवांटेजेस बहुत है इन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं, एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज वी गेट। हम बच्चों को अपने स्कूल के दायरे में, अपने कॉलेज के दायरे में या सिटी के दायरे में इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते, और हम उनको कोलैबोरेशन, हम कभी कभी एक्सपर्ट बुला सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक्सपर्ट बुला के उनसे कोलैबोरेट नहीं करा सकते। ऑनलाइन तो आजकल क्या है, आजकल इंडिया के स्टूडेंट्स कोरिया के स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, यूके स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी भी कहाँ कहाँ कोलैबोरेट कर रही है। देखिए, आप और मैं कोलैबोरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं तो आप बताइए कि अगर एनसीईआरटी मुझे इनवाइट करते कि मध्य प्रदेश में सेशन करो, तो मैं तो खाली मध्य प्रदेश में करती, अब तो मैं कितनी स्टेट्स में पहुंच चुकी हूँ, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। सो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिसोर्सेज, तो अभी रिसोर्सेज की क्या क्या बात करूं, पूरे हफ्ते आप लोगों ने सीखा कि कितने बढ़िया रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन। सॉरी, ये रिसोर्सेज की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और कितने रिसोर्सेज ऑनलाइन है, कितना ट्रेजर है, पर उसमें से छांट के आपको निकालना है, वो आपने पूरा एक हफ्ता सीखा। तो एडवांटेजेस तो बहुत है, तो क्योंकि इतने एडवांटेजेस हैं, तो एक सिर्फ अपने अंदर सोचिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कि आपको क्या लगता है कि कितनी बार एक कॉलेज का यूथ या यंग प्रोफेशनल 24 घंटे में अपना फोन चेक करता होगा। एक फिगर अपने दिमाग में बना लीजिए कि लेट्स से कि आप लोग में से कुछ लोगों के छोटे भाई बहन होंगे जो कॉलेज वगैरह में होंगे, या इवन चिल्ड्रन होंगे जो काफी ऑनलाइन रहते होंगे। तो मैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, और या फिर यंग प्रोफेशनल्स अराउंड बिटवीन 18 to 30 इयर्स, वो 24 घंटे में कितनी बार, 126 बार, 150 गुड, सो यू आर बैंग ऑन, टोटली राइट, ये ग्रुप बहुत अवेयर है। तो 150 टाइम्स वो लोग यूज करते हैं, तो 6 to 7 आवर्स अ डे
कॉलेज स्टूडेंट्स आर ऑन द इंटरनेट, उसमें से जरूर वो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होंगे, हम ये नहीं कहते वो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी लेते होंगे, लेकिन 6-7 hours अ डे तो बहुत ज्यादा है, और वो 100% तो वो अपनी पढ़ाई उसमें नहीं कर रहे होंगे, वो तो अपना जो मैंने पहले बोला था कि बहुत कुछ इंटरनेट पे है तो वो अब बाकी कुछ भी कर रहे होंगे. और एडल्ट्स, बाय एडल्ट्स आई मीन 40 प्लस पीपल, 80+ टाइम्स अ डे, 4.5 hours अ डे. आप लोगों को तो सब पता होगा, आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं, आप अपने फोन पे लगा सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना है. जैसे मैंने अपना स्क्रीन टाइम लगाया हुआ है तो मेरे को एंड ऑफ द वीक एक रिपोर्ट आ जाती है, माय स्क्रीन टाइम वाज अप बाय 15%, या मैंने इतना ज्यादा देखा या मैंने इतना कम देखा. तो ये जो स्क्रीन टाइम अगर आप सेट कर लेते हैं अपने फोन पे, तो ये मिरर है, ये हमें फीडबैक देता रहता है. सो प्लीज गो बैक एंड सेट द स्क्रीन टाइम फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि ओवर द वीक आप कितनी देर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या इन सब पे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो जिस एरिया में हम इतना टाइम रहते हैं, तो उसमें हमेशा ये तो नहीं है कि हम हमेशा पढ़ते हैं या हम हमेशा कुछ ऑफिस का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग फालतू के काम भी बहुत कर लेते हैं. हैं उसमें जैसे मैंने बोला था कि लैपटॉप के पीछे एक एनोनिमिटी आ जाती है, एक सिक्योरिटी आ जाती है, और हम शेर बन जाते हैं. जो चीजें हम किसी को फेस टू फेस नहीं बोल सकते अपनी रियल लाइफ में, या जो चीजें हम नहीं कर सकते वो हम ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम बेडरूम में है, या हम स्टडी रूम में है, या हम कंप्यूटर रूम में है. लेकिन हम उस वक्त तो फिजिकली वहां पर हैं, लेकिन हम जो पोस्ट कर रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है इन अवर कम्युनिटी, तो हम एकदम उस पे गाली गलौज या हाथ पांव पे या गलत बदत बोलना तो नहीं करते ना. कितनी बार हम सोचते हैं चलो जाने दो, हमारी भी इमेज सोसाइटी में है. लेकिन स्पेशली जो यंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आके अपनी फीलिंग सारी इंटरनेट पे डाल देते हैं, और हम बच्चों को बताते हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट नहीं करना. और ये बच्चे हमारे पार्क में किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको बोला हुआ है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कनेक्ट नहीं करना, लेकिन इंटरनेट पे कोई स्ट्रेंजर होता है तो वो उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं. तो ये सब रिस्क है ऑनलाइन में. अभी आप आई रियली लाइक योर क्विक रिस्पॉन्सेज. अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, जब रिस्क ऑन द इंटरनेट होता है, तो मैं आपको 30 seconds देती हूँ सोचने के लिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. Risks on the internet: privacy, stranger danger, internet addiction, online predators. Predators क्या होते हैं, हम कहते हैं ना वो जो शेर चीता वगैरह predator होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं. तो online human predators, human being जो शिकार ढूंढते रहते हैं, ऐसे gullible लोगों का, vulnerable लोगों का, तो उनको भी हम predators कहते हैं. Fake news, डिजिटल फुटप्रिंट्स, गेमिंग एडिक्शन, साइबर बुलिंग, सेक्सटिंग, ग्रूमिंग जो छोटे बच्चों का किया जाता है, ट्रोलिंग, स्क्रीन टाइम, एडिशनल आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी ले ली, साइबर स्टॉकिंग, रिवेंज पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेलिंग. ये तो मैंने बहुत थोड़े से रिस्क आपको बताए हैं. आपको मेरे से ज्यादा इस वक्त मालूम होंगे. ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये थोड़ा हमारे सामने एक मिरर आ जाए कि कितने रिस्क हैं ऑनलाइन स्पेस में. तो पहले मैंने शुरू करा कि ऑनलाइन स्पेस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, इवन अदरवाइज अच्छी है, लेकिन इस ऑनलाइन स्पेस में रिस्क बहुत है. सो गोइंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट दोस रिस्क. सो सेफ्टी और हेल्थ रिस्क क्या है, तो प्राइवेसी एंड पर्सनल सेफ्टी. देखिए, हम अपनी रियल लाइफ में अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं. हम अपने डिटेल्स किसे बताते नहीं हैं, घर का एड्रेस, हम कहीं जा रहे हैं तो छोटी सी बात बताएंगे कि दादी बोलती थी हमारी दादी कि अरे तुम रात को घर देर से आओगे या 4 दिन के लिए जा रहे हो तो घर की बत्ती जला के जाओ, बाहर कोई तौलिया वौलिया टांग के जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कोई सोचे कोई घर पे ना हो और चोरी चकारी ना हो जाए, ऐसा कहते थे. लेकिन अब हम क्या करते हैं, अभी तो हम इतने अपने इमेज कॉन्शियस और शो ऑफ कॉन्शियस हो गए हैं. हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे और हम कहीं जा रहे होंगे, अरे हमें तो पूरी दुनिया को बताना है. हम वहीं बैठ के अपनी फैमिली के साथ सेल्फी लेते हैं और बताते हैं गोइंग टू गोवा फॉर 7 days, आई एम गोइंग टू हैव फन, है. और उस सोशल मीडिया पे हमने कहीं अपना एड्रेस भी लिखा होता है. तो हम क्या कर रहे हैं,
हम लैपटॉप के पीछे या अपने फोन के पीछे हम ऐसी बेवकूफ के शेर ही तो बन रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े सेफ हैं, लेकिन हम अपनी सारी डिटेल सबको दे रहे हैं। तो ये प्राइवेसी और पर्सनल, हम अपनी पर्सनल डिटेल्स, कोई हमारे को फोन करता है और पूछता है कि भाई आपको इतना इनाम मिल रहा है और आप हमें अपना OTP और बैंक डिटेल्स दे दो। काफी लोग स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि बैंक इसके बारे में हमें सतर्क रहने को कहते हैं। KBC में रोज हमें अमिताभ बच्चन सतर्क रहने को कहते हैं, तो काफी लोग नहीं देते। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पर वो जो हैकर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो कोई आपको स्वीट सी लड़की कॉल करेगी, मैं फलानी जगह से बात कर रही हूँ, बड़े प्यार से बोलेगी, अंकल बोलेगी, या अगर सीनियर पर्सन है तो बच्चा बोलेगा या फ्रेंड बोलेंगे, तो हम लोग उनके प्यार से उनके झांसे में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सेकेंड आइटम डेटा एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। हमारा जो पर्सनल डेटा है, जो हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हम उनको अपनी डिटेल्स बता देते हैं। ऐसी तो हैकिंग होती है। और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, जब हमने अपनी सारी डिटेल्स ऑनलाइन रखी हैं। सो जैसे हम लोग गोवा गए, जैसे मैं गोवा गई अपनी फैमिली के साथ, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे डाल दिया कि भाई मैं तो जा रही हूँ गोवा, और उसमें मेरी फोटो भी है, सारे डिटेल्स भी हैं। तो somebody can assume my identity, मेरी फोटो मेरे सोशल मीडिया से कॉपी पेस्ट करके, मेरा एड्रेस लेके, मेरा फोन नंबर लेके, अब मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी अज्यूम करके वो लोगों को झांसा दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, और ये बहुत होता है। और इसके बाद है ऑनलाइन प्रीडेटर्स के बारे में मैंने बात करी। जैसे हम कहते हैं बच्चों को अंधेरे में बाहर मत जाओ, आप भरी जगह में जाते हैं, पर्स का ध्यान रखिए, कितनी कितनी बातें हम करते हैं ना। तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी ना ये शिकारी घूमते रहते हैं, ये सबके प्रोफाइल चेक करते हैं, स्पेशली यंग वालों के, विमेन के, और उनका वो सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह चेक करते हैं, और वो देखते हैं कि वो कितने वल्नरेबल हैं नहीं हैं, फिर उनसे बात करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उनको अपने झांसे में लेके, उनको ब्लैकमेल, उनसे कोई पिक्चर्स या अपनी पर्सनल डिटेल लेके ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट कम साइबर बुलिंग एंड ट्रोलिंग। बुलिंग तो सबको पता है, बुलिंग तो चलो शुरू कॉलेजेस में रैगिंग बुलिंग तो चलती है, लेकिन क्या है कि वो एक जगह में कंटेन्ड थी। अब क्या हो गया है कि कोई भी किसी को किसी भी देश के कोने से या वर्ल्ड के कोने से बुली कर सकता है, और बार 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 मैसेज भेज सकता है, और उसके बारे में गलत बोल सकता है। ट्रोलिंग कितनी गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रिकेटर्स जब वो मैच जीतते हैं, तब तो 10 मैच जीते तो बहुत बढ़िया, एक मैच हारे तो उनकी ट्रोलिंग हो गई। क्योंकि हम पहले कभी आपने सुना था कि क्रिकेटर के बारे में कोई गलत बोल रहा है, क्योंकि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। अब तो कोई गलत उससे अगर वो डक बना के निकल गया और इंडिया हार गई तो कितनी ट्रोलिंग होती है। विराट कोहली की बेटी तक पहुंच गए थे, आप सबको याद होगा कितनी ट्रोलिंग हुई थी उसकी। और अदर है इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट। अब बच्चों के लिए हर तरह का कॉन्टेंट ऑनलाइन है, तो अब बच्चा एक्सपोज हो जाता है। आजकल बच्चे हमारे, क्यों हम कहते हैं ना बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे आर एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ कंटेंट। हम अपने घर में, हमारा टीवी है, टीवी में हम एज पेरेंट्स हम वो वाले सीरियल नहीं देखेंगे क्योंकि बच्चे हमारे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे कहीं भी किसी जगह में भी जा सकते हैं। उसके लिए भी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बताऊंगी, तो सब कुछ सबके लिए अवेलेबल है। और डेफिनेटली ऑनलाइन सोशल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स तो होते हैं। सोशल इमोशनल इसलिए कि भाई अकेले, जैसे हमने बोला था कि इंटरनेट आइसोलेट भी बहुत करता है, और हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों से मिलना जुलना थोड़ा हमको लगता है, अरे नहीं नहीं मैं तो सोशल मीडिया चेक कर लूँ, अगर बच्चा रो रहा है तो मैं उसे टैबलेट दे के बिठा दूँ, वो बच्चा भी चुप और मैं अपनी सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रही सब लोग ऐसे हैं, पर हम में से कई बार ये चीज़ें कर लेते हैं। और कोई हमारी अगर बुलिंग कर रहा है तो हम ऑब्वियसली हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, होते नहीं। अरे कई लोग तो इस बात से भी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, मैंने नई ड्रेस खरीदी और मेरी ड्रेस को उतने लाइक नहीं मिले जितनी मेरी फ्रेंड को मिले। ये मैं यंग लोगों की बता रही हूँ, आप लोगों के भी बच्चे होंगे जो ऑनलाइन होंगे। तो पीपल थ्राइव ऑन द एक्सटर्नल वैलिडेशन कि अच्छा मुझे इतने लाइक्स मिले। अब ये तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू थिंक, इज इट?
और फिजिकल और फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स तो होते हैं, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहे, फोन के आगे बैठे रहे, तो आपके ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं है, पॉस्चर गलत है, खाना पीना नहीं है, तो ये कंसर्न्स तो होते ही हैं। तो इसके लिए हमें क्या कॉशंस लेने चाहिए? हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। हमें पुरानी अपनी दादी की सोच रखनी चाहिए कि किसी को अपने बारे में कुछ मत बताओ, क्योंकि आजकल के जमाने में आप किसी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, आप मत दीजिए, चाहे वो कितनी रिक्वेस्ट करे, चाहे वो कितने जेन्युइन हो, आप पहले उसके बारे में चेक कर लीजिए, क्योंकि बैंक्स वगैरह तो कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते नहीं है। और हम दूसरी बात है, अपने सोशल मीडिया पे किसी ने अगर अपना फोन नंबर, अपना हाउस एड्रेस या कुछ डिटेल डाले हैं, बच्चों के नाम डाले हैं, प्लीज जाके डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोफाइलिंग होगी और कोई जो प्रिडेटर, जो शिकारी है, वो आपकी प्रोफाइलिंग करेगा और कभी भी वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, इंफॉर्मेशन लेके फेक आइडेंटिटी ले सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है। एक केस था जहां पर कोविड के बाद बच्चे स्कूल गए तो पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी खुश, और पेरेंट इतना खुश था, उसने अपने स्कूल के गेट के सामने फोटो ली अपने बच्चे की, बाय बाय आफ्टर 2.5 years, वो बच्चे का बाय बाय हो गया, बच्चा वॉज किडनैप्ड, उसने फोटो भी डाली, स्कूल का नाम भी डाला, सब कुछ, और वो बच्चा हो गया किडनैप। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग समझते नहीं है। And coming to privacy settings, ये सबका assignment है जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अपने सारे social media settings पे जाइए, privacy setting check कीजिए, by default everything is public, उनको अपने friends या friends of friend या private कीजिए, और जो Facebook का आपका profile है उसको lock कर दीजिए। उससे क्या होगा, Facebook के profile को lock करने, right hand side पे lock option आता है, lock करने से क्या फायदा हुआ कि कोई stranger, कोई थर्ड पर्सन जो आपको नहीं जानता, वो आपकी डिटेल्स नहीं देख सकता, ओनली योर फ्रेंड्स कैन सी व्हाट यू पोस्ट ऑन द टाइमलाइन। सो सब लोग अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सारे ईमेल आईडी पे जाके चेक करेंगे, जितने भी लर्निंग एप्स आपने डाउनलोड करे हैं उधर भी जाके चेक करेंगे कि आपकी प्रिवेसी सेटिंग्स पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। प्लीज उनको प्राइवेट करिए, ये थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम अपने घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं, उससे कोई घर में कोई घुसा या क्या लेके जाएगा, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान। लेकिन अगर सोशल मीडिया से हमारी डिटेल्स आउट होगी, किसी ने फेक आइडेंटिटी अज्यूम करके कुछ गलत पोस्ट कर दिया, कल को हम जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें एट्रीब्यूट होगा। ये तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही थी, वो आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टरिंग फॉर एप्स मैं टीचिंग लर्निंग सेशन में बताऊंगी। पासवर्ड तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि आपने पासवर्ड रखा है। और ये एक कल भी एक टीवी न्यूज आ रही थी, इंडिया में 84 मिलियन पीपल का पासवर्ड है या 1234 या पासवर्ड या 321, इस टाइप का 84 मिलियन पीपल का ये पासवर्ड है। तो हम लोग बहुत बार 1 2 3 3 4 अपना नाम और ये सब कर देते हैं, नहीं, पासवर्ड हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक, इट हैज टू बी यू नो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आजकल तो हमारी सोशल मीडिया साइट्स बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, जहां पर आप लॉग इन करते हैं, कोई और साइट्स भी स्मार्ट हो गई हैं, दे कीप ऑन टेलिंग यू वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड अगेन आई एम सेइंग इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पासवर्ड हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। Then two factor authentication. आजकल जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, पहले हम दरवाजे को कुंडा लगा के दादी के टाइम में चले जाते थे और कोई घर के अंदर नहीं आता था। फिर ओवर द टाइम जैसे जैसे प्रीडेटर्स बढ़ने लगे हमारे रियल वर्ल्ड में भी, वो कुंडे की जगह हमने उधर लॉक लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, लॉक लगा दिया, तो अब उसमें भी हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए, हमने उसमें जाली का दरवाजा भी लगा लिया। सो इसका मतलब है हमने जाली का दरवाजा भी लगाया, हमने वुडन डोर का भी लॉक लगाया, तो हमने उसको डबल सिक्योरिटी दे दी। सिमिलरली आपको आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन बहुत जरूरी है, एक तो पासवर्ड है और एक ओटीपी है जो आपके फोन नंबर पर आता है। तो थोड़ा सा होता है, अच्छा ओटीपी आएगा नहीं आएगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, मैं क्या करूंगी, चलो पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते, नहीं, कन्वीनियंस से हम लोग अपने को, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट कन्वीनियंस वी शुड नॉट टेक इट ईजी, कि भाई ये मुश्किल होगा,
ये फिर दोबारा मेल आएगा मेरे फोन पे, अगर ओटीपी नहीं आ सकता, ये सब नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाए कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सिक्योरिटी तो होगी। सो ये भी एक आपके पास असाइनमेंट है, जहां जहां आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है आप वो कीजिए। जैसे ही आप प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाएंगे अपने, चाहे आपका ईमेल अकाउंट हो, चाहे वो कोई लर्निंग ऐप हो या सोशल मीडिया अकाउंट हो, उधर आपका अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है तो वो साइट आपको बोलेगी एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑलवेज से यस एंड सो दैट यू गेट द ओटीपी ऑन योर फोन और यू गेट इट सम काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन ऑन योर ईमेल। सो खाली पासवर्ड से कोई एंटर नहीं कर पाएगा। सो डेटा एंड आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है? सो आपने फिशिंग, स्मिशिंग, वेलिंग सुना होगा, फिशिंग तो सबने सुना होगा। अब फिशिंग वर्ड जो होता है एफ फिशिंग से आता है, FISHING। अब जब हम फिशिंग करने जाते हैं, जब हम तालाब में जाते हैं तो हमारे पास एक बेट होता है, उसमें हम छोटा सा कोई खाने का टुकड़ा लगा देते हैं और वो हम पानी में फेंक देते हैं और वो बेट को बेट के पीछे फिश आ जाती है, हम उसको पकड़ के ले जाते हैं और बना के खा लेते हैं। हमारा भी वही हाल हो रहा है, हमारे पास भी बेट्स आते हैं, यहाँ पर सेल लगी है, इस लाइन पे क्लिक करिए तो आपको ये फ्री मिलेगा, ये बेट्स है, हमारी फिशिंग हुई जा रही है। सो इंस्टेड ऑफ एफ फिशिंग इंटरनेट ने उसको पीएच फिशिंग बना दिया। तो हम भी मछली हैं, जिनका हम भी एक जिनका शिकार कर रहे हैं बहुत लोग। स्मिशिंग क्या होता है? जब SMS के थ्रू कुछ आपके पास आता है कि क्लिक ऑन दिस लाइन एंड यू विल कैडबरी विल गिव यू चॉकलेट्स ड्यूरिंग दिवाली। अरे कैडबरी को चॉकलेट देने लगी सबको, ऐसे वो बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी, या एडिडास वाला शूज क्यों देने लगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यंग लोग जो होते हैं उनको बोलता है कि ये आता है मैसेज दैट प्लीज कम टू मॉल सो एंड सो, शॉप सो एंड सो टू गेट योर, यू आर लकी एंड टू गेट योर अवार्ड। एंड देर हैव बीन केसेस कि यंग लोग उधर चले गए उसी थोड़ी सी आइसोलेटेड जगह में एंड उनके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको ये मनगिनत कहानियां नहीं बता रही हूँ, मैं रियल इंसिडेंट बता रही हूँ, क्योंकि हमारी साइबर पीस की अपनी हेल्पलाइन है, हमें एक दिन में कितनी कितनी कंप्लेंट्स आती हैं। वेलिंग क्या होती है? जब कोई बड़ी फिश पकड़ो, जैसे हम तुम वेल में नहीं आते, वेल में तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले लोग हों, उनको एक ही बारी में वेल पकड़ लो, वो होती है। तो ब्लैक मेलिंग आपको सबको मालूम है कि ब्लैक मेलिंग कैसा होता है, कि देन समबडी विल से आई विल इफ यू हैव शेयर्ड फोटोज और एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और फिर पर्सनल कोई डेटिंग साइट पे होता है, उन लोगों की ब्लैक मेलिंग बहुत होती है। और रैनसम वेयर होता है कि भाई दे दो पैसा और नहीं तो तुम्हारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी परसों की न्यूज है, US की एक बड़ी कंपनी, बहुत कॉन्टिनेंटल टायर्स आपने सुना होगा, US में है ये, इंडिया में भी कॉन्टिनेंटल टायर्स है, तो उनकी जो हेड ऑफिस है उधर से कितना मिलियन का डेटा उन्होंने ले लिया है, हैक कर लिया है, एंड दे आर आस्किंग ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रैंसम टू रिलीज दैट डेटा। क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो फायर वॉल है, बाउंड्री वॉल है, उसमें कहीं किसी ने उसमें प्रेडेटर्स ने हैक कर लिया है। तो कमिंग टू स्ट्रैटेजीज, अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोटेक्ट कीजिए, बच्चों की फोटो डालनी मत डालिए, डालना है तो नाम और फेसेस ब्लर कीजिए, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने से पहले 10 बार सोचिए, लिंक्स को मत क्लिक कीजिए, एंटीवायरस अपडेट कीजिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते। और फिर जो नए नए पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए जो पर्टिकुलर कंपनीज रिलीज करती हैं, तो वो हमें नहीं मिलते। और ये फ्रीवेयर तो कभी मत लीजिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में कौन किसी को फ्री देगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगी, स्ट्रेंजर डेंजर की बात कर दी है, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज की भी बात कर ली है, इन्फ्लुएंसिंग ग्रूमिंग क्या होता है, जब कोई लेट्स से एक वुमन है, यंग गर्ल है या कोई बच्चा है, ये कनेक्ट कर लिया स्ट्रेंजर्स के साथ, स्ट्रेंजर ने उससे मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है? कि उससे कुछ किसी टाइप का उसको सेक्सुअल फेवर चाहिए है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग ग्रूमिंग। और ब्लैकमेल की तो बात हो ही गई है, तो हमें बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स इंस्टॉल करने चाहिए अपने कंप्यूटर पे, बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं, एक्सेस, बिकॉज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू वेबसाइट्स नहीं होना चाहिए, कंटेंट फिल्टर होने चाहिए,
लेट्स से कि हम पर्टिकुलर वर्ड्स जैसे हम कोई अश्लील वर्ड है तो हम उसमें कंटेंट फिल्टर लगा दें कि कोई भी पिक्चर कोई भी सॉन्ग कोई भी डॉक्यूमेंट या एड इस वाले वर्ड से हमारी मेरी लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होता. नाम और फेसेस हाइड कीजिए और हाइजीनिक डिजिटल हैबिट्स रखिए. साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग मैंने बोला था सोशल इमोशनल इश्यूज का शिकार हो जाते हैं जब बुलिंग और ट्रोलिंग होती है और ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर यूज ऑफ स्क्रीन टाइम से हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं. वो तो हमने पहले भी इसके बारे में बात करी. नाउ क्विकली कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ टेक सपोर्टेड लर्निंग. वो हमने मैंने बताया था कि टेक सपोर्टेड लर्निंग अडेप्टेबल अफोर्डेबल हम कनेक्ट कर सकते हैं हमें बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं पर इसमें भी चैलेंजेस हैं. हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑनलाइन मत यूज करिए. अगर हम डर के रहेंगे तो हम अपने घर के बाहर भी कभी नहीं निकलेंगे कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कोई गाड़ी ना मार जाए. जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं तभी क्रॉस करते हैं ना. सिमिलरली उस टाइप की सतर्कता अगर हम ऑनलाइन में बरते तो ऑनलाइन में बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं. पर हमारा यही कहना है कि आप लोग जो सतर्कता आप अपनी डेली लाइफ में बरतते हैं ऑनलाइन में उससे भी डबल कीजिए. सो इसमें एज एडुकेटर्स हमारी बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों? हमें स्टूडेंट की प्राइवेसी और उसकी पर्सनल सेफ्टी का हम लोग वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो स्टूडेंट सेफ्टी इज पैरामाउंट एंड स्टूडेंट डेटा इज मैसिव वेल्थ ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ये स्टूडेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल करेंसी क्या है? पहले करेंसी कभी होती थी गेहूं चावल ये करेंसी होती थी फिर ऑयल हो गई करेंसी गोल्ड करेंसी होती थी ऑयल करेंसी. करेंसी का मतलब है कि वो बहुत उसकी बहुत वैल्यू होती थी फिर पीछे और फिर ऑयल की बड़ी करेंसी होती थी. आजकल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे लोग पैसा बहुत बना रहे हैं. आपने सुना होगा कि फेसबुक के इतने अकाउंट्स हैक हो गए इतने मिलियन में बिक गए ये सब. तो इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट करेंसी. इसमें से लोग इसमें से बहुत पैसा बनाते हैं. और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो क्लास टू का स्टूडेंट हो चाहे वो अपना डीएड का स्टूडेंट हो उन सबका डेटा वो तो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं. उनका डेटा हम कस्टोडियंस हैं उनके डेटा के. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपने कॉलेज में या स्कूल में लॉक्ड कैबिनेट बना के रखते हैं ऑफिस में जिसकी चाबी सिर्फ लिमिटेड एक दो लोगों को होती है जहां पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं लेकिन ऑनलाइन हम ढीले पड़ जाते हैं. तो हमें ये देखना है कि हम तो कस्टोडियंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन के तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. सो स्टूडेंट डेटा क्या है ये सबको मालूम है फिर भी एक बार बता देती हूँ. ये पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट है. पर्सनल डिटेल्स फैमिली डिटेल्स कहाँ से रहता है क्या है फादर की इनकम क्या है ये सब. दूसरा पर्सनल डेटा पर्सनल हेल्थ डेटा. तो कई बार हम हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाते हैं तो हम हेल्थ डेटा भी लेते हैं. तो अगर ये डेटा किसी गलत उसमें पड़ गया लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट से बेचारा जूझ रहा है लेकिन और वो डेटा किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग गया तो वो लोग उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देके उसका फायदा उठा सकते हैं. डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टूडेंट की एकेडमिक इंफॉर्मेशन हमें हमारी तरफ से लीक ना हो जाए. टेस्टिंग परफॉर्मेंस डेटा लीक ना हो जाए. सब बिहेवियर डिटेल्स कहीं स्टूडेंट के लीक ना हो जाए क्योंकि किसी स्टूडेंट ने लेट्स से कि कोई 9th-10th का स्टूडेंट है कोई थोड़ा बिहेवियरल इशू था हमने उसमें रिकॉर्ड कर दिया लेकिन वो बच्चे तो सुधर जाते हैं वो तो टीनेज है. तो अगर उसका डेटा ऑनलाइन चला गया और वो ऑनलाइन तो डेटा कभी मतलब इट इज परमानेंट वो कभी मिटता नहीं है. हमारी आंखों से दूर चला जाएगा लेकिन गोल गोल घूम के आ जाएगा वापस. तो अब ये देखिए कि वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर जैसे कोई बिहेवियरल इशू था उससे निकल गया लेकिन जब वो जॉब सीख कर रहा है तो उसका वो बिहेवियरल डेटा कहीं उसके पास कहीं किसी को कोई गूगल करता है उसके बारे में मिल जाता है तो उसकी लाइफ हो गई ना खराब. फोटोग्राफ्स की तो क्या बात करूं. फोटोग्राफ्स की तो आप इसमें तो आपको बहुत जानकारी होगी कि अपनी फोटोग्राफ्स तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. तो स्टूडेंट की फोटोग्राफ्स जैसे हम क्यों शेयर करें. मैंने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो होते हैं वो स्टूडेंट की फोटो अपने हर एक को मार्केट करना होता है या बताना होता है हम ये एक्टिविटी कराते हैं ये क्लब है वो है. हम ये कहते हैं बिलो 18 के आप एक्टिविटीज वगैरह जरूर डिटेल कीजिए लेकिन या तो स्टूडेंट का बैक पोज लीजिए या दूर से फोटो लीजिए जूम कर लीजिए या उनके फेस ब्लर कर दीजिए. आप जरूर डालिए आपके स्कूल कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है
लेकिन ये सब आप कर सकते हैं, उनके फेसेस थोड़े ब्लर कर सकते हैं कि कोई उनकी फोटो लेके वो गलत यूज ना कर ले उस फोटो का, तो इस टाइप की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिक्योर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप शुरू में जब कोविड हुआ था तो सब जूम पे गए थे, तब जूम थोड़ा सा कमजोर था, जूम प्लेटफॉर्म वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, तो जूम बॉम्बिंग आपने सुना होगा, तो गलत लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं, स्पेशली दिल्ली में, जहां पर कोई किसी ने उसको हैक कर दिया उस प्लेटफॉर्म को, या किसी ने पासवर्ड शेयर कर दिया और उन्होंने अश्लील फोटोए क्लास 3rd-4th के सामने, ये सब कितनी बार हुआ है. तो जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो भी सिक्योर होने चाहिए कि वहां पर कोई आके ऐसी कोई इनअप्रोप्रिएट हरकत ना करे. और दूसरी बात है कि स्टूडेंट का डेटा ना वहां से चुरा ले, डेटा हैक ना हो जाए. सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड, चाहे आप अपनी कहीं लॉगिन कर रहे हो या अपने स्टूडेंट्स का कहीं लॉगिन करा रहे हो, तो आपको स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना है कि आप पासवर्ड 1, 2, 3, 4 या ये सब नहीं दे सकते, आपको सिक्योर पासवर्ड्स देने हैं, आप सेम पासवर्ड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म नहीं रिपीट कर सकते. 84 million पीपल के पास वो 5 पासवर्ड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है लेटली. तो आप बताइए कि अगर हम वही छोटी सी ताली के साथ अपना इतना बड़ा घर बंद करेंगे तो हम अपने घर को वो छोटी सी ताली से क्या सिक्योरिटी देगी. हम तो कहीं जाते हैं घर बंद करते हैं, हम तो उसमें सेल्फ लॉक भी लगाते हैं, एक मोटा सा गोदरेज का ताला भी लगाते हैं, जाली का दरवाजा भी बंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन हम अपने आप को बिल्कुल बहुत केयरलेस कर देते हैं. Now coming to the teaching learning, secure cloud and data sharing platforms. काफी आपके साथ जो अभी शेयर करे होंगे वो आई एम श्योर वो सारे रिव्यू होके आपके साथ शेयर हुए होंगे ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, बट स्टिल आप कहीं कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई थर्ड पार्टी कोई ऐप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो लर्निंग ऐप है, चाहे वो पानी पीने का ऐप है, चाहे वो आपका कितना आप चले हैं, कितने कदम आपने लिए हैं उसका ऐप है, आप पहले देखिए वो ऐप का रिव्यू देखिए उसमें कितने स्टार्स हैं. अगर वो ऐप में 2 या 3 स्टार हैं तो वो ऐप को डाउनलोड मत कीजिए बिकॉज उसका रिव्यू खराब है. दूसरा देखिए कि वो उस ऐप में कितने लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं. अगर उस ऐप में काफी लोग रजिस्टर्ड हैं, हजारों लोग रजिस्टर्ड हैं और उसका रेटिंग अच्छा है तो भी बहुत अच्छी बात है. थर्डली ये देखिए कि जब आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी क्या क्या चीज फोन से एक्सेस कर सकता है. अभी जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैंने ज्योग्राफी का ऐप डाउनलोड करा, अब ऐप बोलेगा कि आप कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, कैन आई एक्सेस योर गैलरी, कैन आई एक्सेस योर टेक्स्ट मैसेजेस. अब बताइए उसको मेरी इन चीजों से क्या मतलब है. तो हमें ये देखना है कि हम उसको नो 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 करते जाएं, अनटिक अनटिक करते जाएं, ये बहुत जरूरी है. देखिए मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन इज अ न्यू करेंसी, इन्फॉर्मेशन इज द पावर. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे लेते हैं वो डेटा में वो जो डेटा लेते हैं वो मार्केट में बिकता है और वो गलत लोगों के हाथ जाता है. तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए, कोई भी ऐप डाउनलोड करिए, चाहे वो लर्निंग ऐप हो, लेकिन उसमें अब ये चेक कीजिए कि उस ऐप को आपकी किन किन चीजों की जरूरत है और आपकी फोटो की किस लिए जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट की किस लिए जरूरत है, टेक्स्ट मैसेजेस क्यों पढ़े वो आपका ऐप. कई लोग वो पेटीएम और इन साइट्स में उसमें आता है कि ऑटोमेटिकली आपका मनी डिटेक्ट हो जाए फ्रॉम योर मैसेज, तो काफी लोग यस कर देते हैं कि बार बार कौन करेगा पेटीएम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने दो. तो आप क्या कर रहे हैं, आप पेटीएम को एक्सेस दे रहे हैं कि मेरे सारे मैसेजेस पढ़ो. जहां पर ट्रांजैक्शन की बात है आप वहां पे अपने आप ट्रांजैक्ट कर लो. हम तो कोई सिक्योरिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं इधर पे, हम तो अपने आप को ही मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है. और अनदर थिंग इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स. जब हम अपने स्कूल कॉलेज में एक दूसरे के साथ फाइल शेयर स्टूडेंट डेटा शेयर करते हैं, हम बड़े सिक्योरली स्टाफ रूम में बैठ के, मैंने बोला कैबिनेट में लॉक्ड होती हैं, तो ये सब शेयर करते हैं. ऑनलाइन में हमें नहीं करनी चाहिए ऐसे. हमें जितनी भी फाइल्स एक दूसरे को भेजते हैं, आपका चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पीडीएफ हो, एवरी फाइल कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड. अगर वो गलत जगह पे चली भी जाती है तो वो नहीं खुलेगी क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं है. तो पासवर्ड प्रोटेक्ट योर फाइल्स. और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे 2-factor authentication लगाइए, डबल सिक्योरिटी मेजर लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये लिमिटिंग एक्सेस एंड कंट्रोल मैनेज यूजर प्रिविलेजेस. इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास हैज एक्सेस टू ऑल द स्कूल डेटा,
doesn't she? She can call the office staff, she can call the librarian, she can call the teaching faculty, because she is at that privileged level. Uske baad, the second level of leader ya coordinator ke paas access hota hai. Ek class teacher ke paas apne sare students ke sare subject ki detail aur unki personal detail ka access hota hai. To ye step by step privileges hum dete hai ki nahi dete? देते हैं ना. और सब्जेक्ट टीचर के पास अगर मैं क्लास 9 में मैथ पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास क्लास 9 के बच्चे के पर्सनल डिटेल्स नहीं होंगे स्कूल में, मेरे पास खाली उसके मैथ के डिटेल होंगे. तो ऑनलाइन भी आप यही सिस्टम अडॉप्ट कीजिए. और स्पेशली जो स्कूल इंस्टीट्यूशन हेड्स हैं, दे हैव टू सी कि एवरीथिंग हैज टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर्स कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, योर आंसर, योर मार्किंग डेटा हैज टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पर्सनल रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स, रिपोर्ट कार्ड हैज टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड. आप एक फोल्डर में डाल दीजिए, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दीजिए, सिर्फ वही पर्सन एक्सेस करेगा जिसको आपने पासवर्ड दिया हुआ है. और जब आप गूगल में शेयर करते हैं या ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं तो उसमें ये जरूर देखिए कि लेट्स से मैंने एज अ मैथ्स टीचर मैंने मैथ के मार्क्स दिए हैं क्लास टीचर को, तो मैं क्लास टीचर को उसकी एडिटिंग राइट्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की कॉपियां चेक करी हैं, पेपर चेक करे हैं. उसमें मैं नहीं चाहूंगी किसी का कुछ कभी चेंज हो जाए. तो मैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करूंगी और मैं उसको क्लास टीचर को भी रीडिंग राइट्स दूंगी, एडिट व्यूइंग राइट्स दूंगी, एडिटिंग राइट्स नहीं दूंगी. तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका मतलब ये है कि जैसे व्हाट्सएप कहता है आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, उसका मतलब ये है कि जो आप मैसेज भेजते हैं जब वो चैनल के थ्रू दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो रास्ते में वो इट गेट्स कन्वर्टेड टू वंस एंड जीरोस व्हिच नोबडी कैन अंडरस्टैंड. तो वो कोई भी बीच में कोई हैक नहीं कर सकता है. तो ये मेजर्स हमें उस टाइप के प्लेटफॉर्म लेने चाहिए जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन हो. बस मेरी लास्ट दो स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है. स्कूल सपोर्ट एज अ स्कूल इंस्टीट्यूशन कॉलेज जो भी है, डिजिटल सिटीजनशिप मॉड्यूल जरूर रखिए करिकुलम में, चाहे आपके बीएड स्टूडेंट्स हो, डीएड स्टूडेंट्स हो या स्कूल स्टूडेंट्स हो. एक छोटा सा मॉड्यूल डिजिटल सिटीजनशिप पे होना चाहिए. हम बचपन में सिविक्स में सिटीजनशिप पढ़ते आ रहे हैं. अब काफी स्कूल्स ने जो वो सिविक्स में सिटीजनशिप है उसमें डिजिटल एलिमेंट भी डाल दिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम काफी स्कूल्स में हम मॉरल साइंस पढ़ते थे कि भाई कैसे बिहेवियर होना चाहिए. तो अभी हमें मॉरल साइंस और मॉरल साइंस ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर भी ऐसे होना चाहिए. हमें बच्चों को बताना है. हमारे बच्चे टेक सेवी जरूर हैं, लेकिन बच्चों को हमारी हेल्प की जरूरत है. उनकी ब्रेन इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो दे कैन क्रिटिकली एनालाइज एंड देन कम टू अ करेक्ट सोल्यूशन. उनके लिए तो कोई स्ट्रेंजर ने उसको कोई अच्छी सी फोटो दे दी, किसी की अच्छी सी फोटो है, उसने प्यार से बात कर ली, वो उसके हो जाते हैं. बच्चे हैं तो हमें बच्चों को समझाना है सही क्या है, गलत क्या है. बच्चे टेक सेवी तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना क्योंकि वो टेक सेवी हैं वो अपने आप को ऑनलाइन में संभाल सकते हैं. इट इज अ बिग बैड वर्ड ऑनलाइन. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ऑफिस स्टाफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 3 साल पहले कैपेसिटी बिल्डिंग कराई थी. सर मैम, 3 साल पहले तो सीन बड़ा डिफरेंट था, उसके बाद इतने नए नए इश्यूज आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. हर साल आपको कम से कम अपने टीचर्स और ऑफिस स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग कराइए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराइए. एनसीईआरटी कितने सेशंस, एवरी फ्राइडे वी हैव द साइबर जागरूकता सेशन, अभी भी 4 बजे एक स्टार्ट होगा. उसमें कितनी मतलब हैव योर पीपल, हैव योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अटेंड दीज सेशंस. एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक साइबर पीस, हम लोग भी बहुत सेशंस करते हैं ग्राउंड में और हम लोग चार्ज नहीं करते हैं इनका. पर एनसीईआरटी अगर आप जाएंगे, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं सीआईटी वेबसाइट पे, हर फ्राइडे वो सेशंस करते हैं. प्लीज आस्क योर पीपल टू ज्वाइन एंड देन दे विल बी बेनिफिटेड. कंप्यूटर टीचर है तो उसको जैसे हाइजीन टेस्ट मशीन पे करना चाहिए, जैसे हम सिक बे में होता है, सिक बे में जो हमारा सिक रूम होता है या जहाँ पर हमारी थोड़ी सी नर्स होती है हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें हम हाइजीनिक रखते हैं सब कुछ कि नहीं रखते कि भाई कुछ बीमार बच्चा आया था तो नई शीट बिछा दो. सिमिलरली क्लास टू क्लास, अगर क्लास 12th के बच्चे आए हैं, वो ऑनलाइन गए हैं, उन्होंने जरूर कोई शरारत करी होगी और वो ही इंफॉर्मेशन जो वो इन अप्रोप्रिएट अगर कुछ कर रहे थे वो क्लास 6 के बच्चे को सामने आ जाए तो वो गलत है. तो इस टाइप की हाइजीन टेस्ट जरूर करनी चाहिए.
स्कूल काउंसलर की ऑनलाइन की कैपेसिटी बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को थोड़ा बीच बीच में एडवाइस देते रहो, और जो बच्चे को बुली हो रहा है, ट्रोलिंग हो रहा है, या कहीं कुछ उनको ब्लैकमेलिंग हो रहा है, तो काउंसलर कैन सपोर्ट देम. इन्वॉल्व पेरेंट्स, इंक्लूड देम इन द कमिटीज, इंक्लूड देम इन द ग्रुप्स, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस ऑन गोइंग वर्क है. और साइबर सेफ्टी क्लब्स बना सकते हैं. हमारे स्कूल्स में कार्पेंट्री क्लब, डांस क्लब, ड्रामा क्लब सब होते हैं. एक क्लब बनाइए साइबर सेफ्टी क्लब. रोबोटिक्स क्लब भी होते हैं. अगर आप साइबर सेफ्टी क्लब बनाएंगे तो वो एक ओवर आर्चिंग क्लब हो जाएगा. जैसे आज मेरा सेशन साइबर सेफ्टी का था, ये दिस हैज ओवर आर्च्ड योर ऑल योर लर्निंग एप्स एक्सेट्रा, कि भाई आप उनको यूज करिए, पर आप उनको सेफ्टी के अम्ब्रेला के अंदर कैसे यूज करिए. तो ऐसे आप साइबर सेफ्टी क्लब्स बना सकते हैं. साइबर पीस फाउंडेशन हेल्प करता है साइबर सेफ्टी क्लब्स बनाने में विदाउट एनी चार्ज. यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड गेट बैक टू अस. और इसमें मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, वो मेरे अपनी स्लाइड में डालना भूल गई. हम CIT NCERT डॉक्टर एंजल इज लीडिंग दैट साइबर एम्बेसडर प्रोग्राम. हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि टू क्रिएट साइबर एम्बेसडर्स. And these ambassadors can reach to the people in the rural areas also. क्योंकि ये आवाज बिल्कुल एंड तक पहुंचनी बहुत जरूरी है. ये messages बहुत जरूरी है, और ambassadors के through ये messages पहुंचेंगे. तो friends, बहुत कुछ आपको कहने को था, बहुत कुछ बताने को था, लेकिन time कम है. मैंने थोड़ा सा आपके अंदर एक लॉ जला दी है, और अब आप जाके अपने आप को सिक्योर कीजिए. कोई इशू है, कुछ है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस. तो आपका असाइनमेंट आज का ये है कि आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, एप्स की, आपकी ईमेल की, सब जगह की चेक करनी है. अपने बच्चों की चेक करनी है, या अपने छोटे भाई बहन की चेक करनी है, और उसको प्राइवेट करना है. उसमें आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर वर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं. और दूसरी बात है कि ये चेक कीजिए जो लर्निंग एप्स और प्लेटफॉर्म्स आप खुद के लिए यूज करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज करेंगे, उसमें वो क्या क्या आपका पर्सनल डेटा एक्सेस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसकी रिव्यू रेटिंग क्या है, क्योंकि हम बाजार में एक कुछ भी छोटी चीज खरीदने जाते हैं, हम कितना मोल भाव करते हैं, आगे पीछे देखते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हम इन चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं. तो अभी मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि यू आर डिजिटल पेडागॉजिस्ट. डिजिटल पेडागॉजिस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड में सबने डिजिटल हैट पहना था. अब आप डिजिटल सेफ्टी पेडागॉजिस्ट बन जाइए, और हेल्प टू नेविगेट योर स्टूडेंट्स on this information highway very, very safely. Thank you. I can take questions if there is time. नहीं, एक मिनट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई रक्षा. मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी. You can continue. You have a little bit of time left. No problem. I was not supposed to end at 3? No, 3:30 is your end of the session. Oh, awesome. फिर तो मैं questions भी बहुत ले सकती हूँ. हाँ, that's right. हाँ, मैं तो 3 o'clock सोच के, थोड़ा सा मेरी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी 3 o'clock सोच के. अच्छा, तो देखिए, स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को अवेयर करने के बहुत तरीके होते हैं. एक तो है आप उन्हें पढ़ने को दे दीजिए, दूसरा है कि उनको आप इंफॉर्मेशन वर्कशॉप कराइए. है ये, अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन भी इतनी वर्कशॉप होने लगी हैं, इतने लेक्चर्स होते हैं कि बच्चे अब थोड़े से उब गए हैं. अच्छा, एक और वर्कशॉप, एक और ये. तो NCERT और साइबर पीस फाउंडेशन ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला. हमने सोचा कि हम ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम बच्चों को साइबर सेफ्टी के बोलेंगे कि आप अपने आप को साइबर सेफ कैसे कर सकते हैं. तो वो उसके लिए वो सोचेगा कि मैं अपने आप को साइबर सेफ कैसे कर सकता हूँ, और उसके बारे में वो उसके जहन में जाएगा वो थॉट कि हाँ, मुझे अपने आप को साइबर सेफ करना है. उसके लिए वो ऑनलाइन जाएगा, रिसोर्सेज देखेगा. अच्छा, मैं अपनी प्राइवेसी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दूं, या फिर मैं प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने से पहले उनका देख लूं. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं कि भाई आप अपने को और अपने फ्रेंड्स को कैसे साइबर सेफ करोगे. तो हमने ये ई रक्षा स्टार्ट करा था 2019 में,
और मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाती हूँ ई रक्षा की. गिव मी अ मिनट. कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके, तो ये हमारी ई रक्षा की वेबसाइट है. इसका URL है www.eraksha.net. तो ये हमने स्टार्ट करा था 2020. You are not able to see that. Then I'll stop sharing and I'll reshare. तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी, मेरी गाड़ी तेज गई क्योंकि मुझे लगा मुझे 3 बजे खत्म करना है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास टाइम है. तो मैं आपको ई रक्षा के बारे में बताती हूँ और फिर आई कैन टेक ऑन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ यू. ओके, जस्ट अ मिनट. Now can you see? It has not started. Share screen has not yet started. Okay. Yes, now we can see. Okay. So friends, taking ahead my previous conversation, कि हमने ई रक्षा का ये concept 2019 में CIT, NCERT और साइबर पीस ने स्टार्ट करा था कि हम बड़े इनोवेटिव तरीके से बच्चे को साइबर सेफ्टी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दें. हम उनको बताएं, नहीं तो कहते हैं ना कि इफ यू गिव अ फिश इट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इंपैक्ट, कि आप उसको बोलो कि खुद ही फिश करे, है ना. अपने लर्निंग बाय डूइंग इज डेफिनेटली इंपैक्टफुल. एंड NAP ऑल्सो सेज वी हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू लर्न बाय देमसेल्व्स. ओके, एंड ये हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था. तो अभी 2022 है. मैं थोड़ा सा आपको 2019 का भी बताती हूँ. ये हमारा 2019 का है. Video is not visible because you have shared only one screen. Sorry. You have to share your complete screen, then only you'll be able to see. Okay. For some reason, it is not there. Ma'am, once you click on share screen, the first option is the complete screen. So you can choose that option. हाँ वो ही share screen. Today is much more than a regular award show. Our organization, the Cyber Peace Foundation and NCERT, jointly launched the E-Raksha competition. No, ma'am, no, 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 that's all. Okay, ठीक है, I will not share the video. That is not working. मैम आपके बैकग्राउंड पे चल रहा. हाँ अभी ठीक है. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैं वीडियो नहीं शेयर करती, मैं खाली स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ.
अभी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। अच्छा, तो ये हमारा 2019 और 2020 में भी हुआ था और 2021 में भी हुआ था, और अक्रॉस थ्री इयर्स हमारे पास ओवर 1 लाख पार्टिसिपेशन आए हैं। और आप बोलेंगे कि इसमें हम करते क्या हैं, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ कि इस साल का हमारा ये है कि एनसीईआरटी एंड साइबर पीस फाउंडेशन आर प्राउड टू प्रेजेंट द फोर्थ एडिशन ऑफ ई रक्षा कॉम्पिटिशन। और इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमोटिंग सेफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल साइबर स्पेस। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रमोटिंग सेफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल साइबर स्पेस। ओके, अब ये किसके लिए है, हु कैन पार्टिसिपेट? इसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं। कैटेगरी वन है इसमें स्कूल स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इसमें ये वाला पोर्शन ठीक नहीं है, ये इसमें आते हैं टाइमलाइन में। तो हमने इसको 28th अक्टूबर को स्टार्ट करा था, 28th अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, 31st जनवरी को हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे और 30th मार्च को हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और अप्रैल में हम अपनी अवार्ड सेरेमनी करेंगे। इसकी और डिटेल्स बताती हूँ मैं आपको। ये बाकी तो आप अपने आप पढ़ लीजिए। तो आर मोटो इज टू मेक साइबर पीस साइबर स्पेस सेफ सिक्योर एंड एनेबलिंग फॉर एवरीबडी। ओके, और इसके जो कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट हैं, जिसमें क्लास थ्री के बच्चे 3 to 5 एक कैटेगरी है, 6 to 8 दूसरी कैटेगरी है, 9 to 12 थर्ड कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है डीएड स्टूडेंट्स, और एक प्री सर्विस की कैटेगरी है और एक कॉलेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी है। तो जितने आपके डीएड स्टूडेंट्स भी हैं, वो डाइट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या बनाना है, इसमें हमने हमारा एक है आर्ट केड में आप लोग ड्राइंग, पेंटिंग, कॉमिक्स, मीम्स, स्टिकर कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक ये पोस्टर बना हुआ है और इस पोस्टर में बच्चे ने डिफरेंट डिफरेंट वेज का एक पोस्टर साइबर सेफ्टी का बनाया हुआ है। उसने छोटा सा लैपटॉप बनाया है, आई एम साइबर सेफ लिखा है, और देखो लॉक बनाया है कि अपना पासवर्ड रखो, और डिफरेंट मैसेजेस दिए हुए हैं। इसमें सिंगल मैसेज भी आ सकता है, बट एवरीथिंग हैज टू बी सेल्फ क्रिएटेड बाय द चाइल्ड, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो 3 to 5 वाले बच्चे होंगे उनका इवैल्यूएशन रूब्रिक डिफरेंट होगा, 9 to 12 वाले का डिफरेंट होगा, और हमारे 3 लेवल ऑफ ज्यूरी होते हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी। दूसरा है वर्ड हैक। वर्ड हैक में आप स्टोरी, एसे, ब्लॉग, आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स, डिपेंडिंग ऑन द विच क्लास और विच ग्रेड और विच सेगमेंट द स्टूडेंट इज, वो कर सकते हैं। उसमें एक बच्चा छोटी सी 4 लाइन की पोयम भी लिख सकता है, छोटा बच्चा, और रिसर्च पेपर्स भी सबमिट कर सकते हैं, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, एसे। आप अपनी क्लास को, जैसे आई एम टीचिंग क्लास 7, तो मैं क्लास 7 को बोल सकती हूँ कि अगर मैं ड्रॉइंग टीचर हूँ तो मैं उनको एक मैं अपनी स्कूल में या मैं अपनी क्लास में कंपटीशन करा सकती हूँ, उसमें से बेस्ट वालों को बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ज्वाइन कर ले। नहीं तो मैं अपनी क्लास में एक दे सकती हूँ असाइनमेंट कि भाई साइबर सेफ्टी या सोशल मीडिया सेफ्टी या कोई यू नो साइबर बुलिंग के ऊपर आर्टिकल लिख के लाओ, एक एसे लिख के लाओ, एक वन पेजर लिख के लाओ, और जितने बेस्ट एसे होंगे वो हम इसके ऊपर, आप लोग इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और बच्चे वीडियोज बना सकते हैं, हर साल बच्चे, मतलब क्लास 6 के बच्चों ने इतने बढ़िया वीडियो बनाए थे, सेल्फ क्रिएटेड वीडियो। हम कोई फैंसी वीडियो नहीं मांग रहे हैं, हम ओरिजिनल वर्क मांग रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से ऐसे सिंपल वीडियो आ रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने इंटरव्यू करा किसी से, एक एडल्ट से इंटरव्यू करा, एक यंग से इंटरव्यू करा कि वो सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, और उन्होंने बताया कि हाउ कैन यू सेव गार्ड योर सेल्फ। या फिर एनेक्ट करा, कोई बच्चा अपनी मूछें लगा के पुलिस ऑफिसर बन गया, और एक वो, और एक हैकर बन गया, और एक यू नो जनरल स्कूल टीचर बन गया। तो एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करके उन्होंने वीडियो पोस्ट करा। ऐसे सिंपल वीडियो हमारे पास आते हैं। और जैसे एक स्कूल था दिल्ली में, उन्होंने तो साइबर सेफ्टी के ऊपर रैप सॉन्ग बनाया कि बहुत बढ़िया लिरिक्स थे उसके, और उसको उन्होंने थोड़ा सा उसके पुल पर एक्शन भी डाल दिया, बच्चों ने उसको कैप्चर कर लिया वीडियो में। तो इस टाइप के हैं। और टेक आविष्कार में देखिए, स्पेशली जहां पर जिस स्कूल में सीनियर्स रोबोटिक्स वगैरह ऐसा सेक्शन है, कोडिंग तो आजकल बच्चे जानते ही हैं छोटेपन से, तो वो कोई ऐप
का प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से कि एक बार हमारे जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो विनर था, उसने क्लास 12 के बच्चे ने कि फोन के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी पेरेंटल कंट्रोल के लिए कैसे लग सकती है. तो क्लास 12 के बच्चे ने वो ऐप, अभी हम नहीं कहते आप एक महीने में कोई ऐप क्रिएट करेगा, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसने उसका कॉन्सेप्ट पूरा प्रेजेंटेशन में डाल के दिया हमें कि ये स्टेप होगा, ये स्टेप होगा. तो उसका प्रोटोटाइप भी हमको दे दिया. तो उस टाइप के हम इनोवेटिव आइडियाज इनकरेज करते हैं. और एवरी ईयर वी हैव देन सीपी ऑनर्स है कि कोई एनी इंडिविजुअल हु इज डूइंग गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ साइबर सेफ्टी ऑन द ग्राउंड. जैसे हमारे ICT अवार्ड्स होते हैं फॉर द टीचर्स हु डू इनोवेटिव वर्क यूजिंग टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर सीपी ऑनर्स हैं उन टीचर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी के लिए भी जो ग्राउंड पे जाके they are promoting the messages of cyber safety and security. It may be by creating lots of songs, it may be by doing the outreach, by doing the workshop, or it may be involving the entire school. School, जैसे principal ने school का competition ही कर दिया. तो इसमें ये तो बच्चों का था. Now for every category, even teachers can participate. एक teacher अपना कोई article लिख सकता है, कोई teacher can create a poster, a video, anything the teacher can create. So, ये सारी कैटेगरीज जितने हैं ये बच्चों के लिए भी हैं और टीचर्स के लिए भी हैं. और थर्ड कैटेगरी पेरेंट्स के लिए भी हैं. जैसे काफी पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट मैंने अपने घर में अपने बच्चों को कैसे मैंने पेरेंटल कंट्रोल सेट करे हैं उसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन बना के दे सकती हूँ. या फिर मैं अपने बच्चों के साथ कैसे साइबर सेफ्टी के मैसेजेस के बारे में डिस्कस करती हूँ. तो वो भी सिंपल सिंपल चीजें हमारे पास आती है. हम कोई फैंसी हाईटेक टेक्नोलॉजी आइटम्स नहीं देख रहे हैं. हम हाथ से बनी हुई ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, उनको स्कैन करके रजिस्टर करके हमारे पोर्टल पे अपलोड कर दो. बस हम यही मांगते हैं एंड सेल्फ क्रिएटेड मांगते हैं. इस साल हमने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है स्कूल्स की. तो एक स्कूल में मतलब उसमें हमने एक छोटा सा परफॉर्मा दिया हुआ है. वो परफॉर्मा फिल करना है कि कितने वर्कशॉप्स हुए हैं, कंप्यूटर टीचर कैसे डिजिटली मेंटेन करती है, और स्कूल का काउंसलर ट्रेंड है या नहीं है, छोटी छोटी चीजें. और स्कूल ने कितने कॉम्पिटिशन कोई ऑर्गेनाइज करा है, और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं आजकल स्कूल में. तो स्कूल्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. तो ऐसे प्लीज इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट. नाउ हु कैन पार्टिसिपेट? कैटेगरी वन इज स्टूडेंट्स, क्लासेस 3 to 5, 6 to 8, 9 to 12, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. कॉलेज स्टूडेंट्स में आप हमने एक अलग सेगमेंट अपने टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स का रखा हुआ है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट होंगे. और फिर जनरल डिसिप्लिन के भी रखे हुए हैं. कैटेगरी टू इज एडुकेटर्स, कैन बी स्कूल टीचर्स, कैन बी फैकल्टी फ्रॉम कॉलेजेस. अगेन इन सबका इवेल्यूएशन क्राइटेरिया अलग अलग होता है. तो स्कूल टीचर या फैकल्टी फ्रॉम कॉलेजेस कैन शेयर. किसी ने जो ये रैप सॉन्ग था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक टीचर ने एक स्कूल में लीड करा था. तो टीचर को भी अवार्ड मिला और स्टूडेंट्स को भी अवार्ड मिला बिकॉज इतना बढ़िया था. कैटेगरी 3 इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन पार्टिसिपेट. वो परफॉर्मा फिल करते हैं. पेरेंट्स एंड गार्डियंस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. और साइबर पीस ऑनर्स उस टाइप का है जैसे ICT अवार्ड्स है. तो ये इंडिविजुअल को मिलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है. और बट अ लॉट ऑफ इट इज फॉर द इंडिविजुअल्स. तो ये हमारा ई रक्षा का वो था. अभी हमारे आप प्लीज इस साइट पे जाइए www.eraksha.net. इसमें सारी डिटेल्स हैं. हमारे लास्ट ईयर के कंपेंडियम हैं, टॉक्स हैं. डॉक्टर बेहरा हैज ऑलवेज बीन सपोर्टेड अस. और हमारे ये जो हॉल ऑफ फेम में जाएंगे तो हमारे 2019, 2020 और 2021 के विनर्स सारे इसमें लिस्टेड हैं. और इतना अच्छा लगता है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से हमारे पास एंट्रीज आती हैं. और एक छोटी सी बात बताऊँ, जब 2019 में स्टार्ट हुआ था तो तमिलनाडु के किसी विलेज से एक बच्चा फर्स्ट आया था एक कैटेगरी में. जैसे आर्केड में हम सब में हम अलग अलग अवार्ड्स देते हैं, हम 35 अवार्ड्स देते हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली आया था अवार्ड लेने के लिए. हम अवार्ड फंक्शन दिल्ली में ही करते हैं, NCERT में करते हैं, और हम ट्रैवल का भी देते हैं कि बच्चा और एक एडल्ट साथ में. तो उसने वो अपने पेरेंट्स को ले आया था तो हमें अलाउ कर दिए थे. वो बच्चा प्लेन तो छोड़ो, ट्रेन में भी कभी नहीं बैठा था. वो इतनी रिमोट जगह से था, क्लास 9 का बच्चा था. उसको
उसके लिए तो एस्पिरेशन हो गया कि वो प्लेन में बैठ के कैपिटल ऑफ द कंट्री आया है, और उसके पेरेंट्स भी पहली बार दिल्ली आए थे। तो हम ये चाहते हैं, जो हमारा मैसेज है, हम उसको मेट्रो तक सीमित नहीं करना चाहते, हम हर हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जाना चाहते हैं। और आज इस वर्कशॉप के माध्यम से आप तो सब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना काम करते हैं, तो प्लीज इसकी डिटेल्स नोट कीजिए www.eraksha.net और इसको अपने स्टूडेंट्स तक सेंड कीजिए। हमारे पास हर साल कुछ 40-50 हजार एंट्रीज आती है, और इस बार हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इसको मतलब स्प्रेड करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, हम 35 के करीब अवार्ड्स देते हैं, क्योंकि हम हर कैटेगरी में अवार्ड देते हैं। तो ये तो था ई रक्षा के बारे में। अभी मेरी स्लाइड्स तो हो गई हैं खत्म। आई एम ओपन फॉर एनी questions, any suggestions? तो आप तो फ्रेंड्स, आपके दो असाइनमेंट हैं। एक तो आपको ई रक्षा साइट पे जाके और ई रक्षा साइट पे जाके अपने इसके बारे में अपने इंस्टीट्यूशन में अपने डिस्ट्रिक्ट में बताना है, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश और हिंदी में एंट्रीज एक्सेप्ट होती हैं, और कोई बात नहीं, सिंपल सी एंट्री हो, एक सिंपल पोस्टर बच्चा बनाएगा ना कि आई हैव टू बी अ साइबर सेफ चाइल्ड और आई हैव टू बी अ गुड नेटिजन, तो उसके अंदर वो थोड़ा कॉन्सेप्ट भर जाएगा, समझ आ जाएगी। और अगर हम सिर्फ बताएंगे, वो सुनेगा, तो वो इतना ज्यादा उसके जहन में नहीं आएगा। और दूसरी है कि आपको प्रिवेसी सेटिंग्स चेक करनी है, और ये चेक करना है कि आपके जो लर्निंग एप्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो लर्निंग एप्स आपके कितना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful guidance on this very sensitive area, which is right now we are dealing with. We will now take a few questions. Garima Batra, ma'am, ne hand raise kiya. Please ask your question, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for giving me opportunity to ask. Ma'am, please be loud. I can't hear you. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible now? Yes, better. Thank you, ma'am. Ma'am, thanks for giving me opportunity to ask my question, because since the session started, I was struggling to ask this question. So yesterday only I downloaded one app. One is Audacity and another was that Lumi. So ma'am, I was asked there that to download it, you need to allow the tool to change the settings of your system. So is this does this also come under cyber safety? If it is, देखो ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है। अब ऑडेसिटी तो एवरीबडी नोज दैट इट्स अ रिप्यूटेबल टूल अ प्लेटफॉर्म, तो अगर ऑडेसिटी कह रहा है तो थोड़ी बहुत सेटिंग तो जूम भी चेंज करता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। पर अगर जो कोई अननोन प्लेटफॉर्म हो जो किसी ने यूज ना करा हो और वो बोले कि आपको सेटिंग चेंज करनी है, तो उसमें मत कीजिए। और आप ये भी देखिए कि आप कितनी हद तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। ये ऑडेसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेल नोन ऐप है, तो आप कर सकती हैं। बट अननोन ऐप जो कोई यूज नहीं करता और जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, उसके लिए मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मे आई मैम? मैम हेलो सर, आई विल टेक द नेम्स एंड देन ओनली यू विल आस्क। प्लीज सर, ऐसे ना करें। मैं सबका नाम ले रही हूँ एक एक करके, जिससे कि डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। अभी आप पूछ लीजिए सत्येंद्र जी, क्योंकि आप शुरू हो ही चुके हैं। यस मैम, मैंने मैम के असाइनमेंट के अनुसार अपनी सेटिंग चेक की, तो इसमें फाइल मैनेजर, ऐप मार्केट और कैम स्कैनर ये इनबिल्ट है। वो मतलब सारी सेट सारा परमिशन उन्होंने ले रखा है, उसको रिमूव करने का तो कोई तरीका नहीं है उसमें? बिल्कुल है। आप अपने सेटिंग्स में जाइए और उस ऐप पे क्लिक कीजिए, उसमें परमिशंस अलाउड होगा, उसमें जाके आप अनचेक कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसे हुआ होगा कि आपने यस यस कर दिया होगा, तो वापस जाके भी अनचेक कर सकते हैं उसको। मैम, मैं गया फाइल मैनेजर में और ऐप मार्केट में, उसमें वो लिख रहा है कि वो जो अलाउ डिसअलाउ करने का जो बटन है वो फेड है, उसमें टच करने पर भी कुछ नहीं होता। देखिए, आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाके चेक कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है,
Thank you, ma'am. And now Francisco, sir, from Goa can ask his question. Good evening, ma'am. Now I have a question, really interesting question for all of them. May I know which is a good antivirus to be used when we go online, or for that matter, for the entire PC on what we are working? Because since we are going to go online, there is a scare of being tracked. There is a scare of somebody playing around with our, you know, software or whatever it is. So what would you suggest as a good antivirus to protect our system and our, you know, handset also? देखो एंटीवायरस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत पुराने एंटीवायरस हैं वो है नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी. तो आई वुड सजेस्ट ये थोड़े से क्विक हील इज अ वेरी गुड एंटीवायरस फॉर बोथ फोन्स एंड लैपटॉप्स. तो एंटीवायरस वो लीजिए जो उसकी रेटिंग रिव्यू अच्छे हों. कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्री एंटीवायरस या सस्ते के चक्कर में वो एंटीवायरस डाल दें जो आपके कंप्यूटर पे वायरस डाल दें, जो उल्टा ही काम करे. सो क्विक हील, मैकेफी, नॉर्टन एक्सेट्रा, a little expensive. ये तो वही हो गया ना कि सस्ता ताला लेंगे तो सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, महंगा ताला लेंगे तो शायद वो टूट ना सके इतने आसान से. तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए, कहीं और सेव कर लीजिए, बट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स पे मत सेव कीजिए. मैडम वही तो क्विक हील, आई एम यूजिंग क्विक हील, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट मेक्स द सिस्टम गोस वेरी स्लो. सो इफ आई वांट टू डू एनीथिंग इट यू नो हॉट्स माय एंटायर प्रोग्रामिंग. सर आपको देखना है कि यू हैव टू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्विक हिल, कि आपका क्विक हिल ओरिजिनल है या नहीं. और कई बार ये जो उस वाले आते हैं ना, फ्रीवेयर आते हैं, तो फ्रीवेयर में वो बहुत सारी और चीजें भी इंक्लूडेड हैं जो आपको हार्म कर रही हैं. सो क्विक हिल विल नॉट मेक योर सिस्टम स्लो अनलेस आपका सिस्टम में वैसे भी रैम कम है, तो तब तो स्लो हो ही जाएगा. Okay. Thank you, ma'am. So before taking the next question, I request everyone to mark their attendance. It has been posted in the chat. Now, Mr. Saket Tiwari can ask his question. Rashmi, ma'am, mute कर लीजिए खुद को. Story card भी अच्छी लग रही थी, बड़ा बड़ा story card. Hello. हाँ, Saket जी बोलिए please. हाँ, ma'am, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी ma'am ने कहा कि हम अपने जो लर्निंग ऐप है उनका डाटा कंजम्पशन चेक करें, तो ई रक्षा में वो फैसिलिटी दी हुई है क्या? सर आप फिर से बोलेंगे थोड़ा सा. आपने अभी कहा कि हम अपने जो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उनका डाटा कंजम्पशन चेक कर सकते हैं. हाँ जी तो वो क्या ई रक्षा में ऐसा कुछ फैसिलिटी है या वो अपने लेवल पे? सर ई रक्षा का जो गोल है, ई रक्षा का गोल ये है कि एक कंपटीशन है. जैसे आप अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपटीशन ऑर्गेनाइज, कोई पेंटिंग कंपटीशन, कोई ड्राइंग कंपटीशन, कोई ड्रामेटिक कंपटीशन, ये कंपटीशन है जिसमें बच्चे पार्ट लेंगे और उसका टॉप टॉपिक है सेफ. ये आपको कोई सॉफ्टवेयर. ओके. तो ये जो आपने असाइनमेंट दिया है वो हमें अपने लेवल पे करना है. बिल्कुल जी, अपने लेवल पे करना है, वो आपको अपने सिस्टम पे अपने आप चेक करना है. उसका ई रक्षा से कोई कंसर्न नहीं है. ई रक्षा की तो अलग से इन्फॉर्मेशन दी कि भाई अपने स्टूडेंट्स और अपनी टीचर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू. मनीषा वर्मा जी, आप अपना सवाल पूछ ले प्लीज. ओके मैम, एक्चुअली यू हैव सेड दैट वी कैन शेयर आवर फाइल्स बाय डूइंग पासवर्ड प्रोटेक्टेड. So how we can share our files by doing password protected? How we can do that? So ma'am, it is very simple. कि मैं फिर से वो घर की एनालॉजी दूंगी कि आप भी वर्किंग है, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं. तो आप घर में ताला लगाते हैं तो उसमें एंट्री कैसे होती है? क्योंकि सबके पास चाबी है ना कि नहीं? सिमिलरली वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल जब आप एज लेट्स से मैथ टीचर, जैसे मैंने बोला मैं भेजूंगी क्लास टीचर को, तो मैं उसको अलग से पासवर्ड भी भेजूंगी टू ओपन द फाइल. एक्चुअली आई हैव आस्क्ड हाउ वी कैन डू द फाइल प्रोटेक्टेड बाय हाउ वी कैन क्रिएट द पासवर्ड. हाँ तो वो मैम वो वर्ड में राइट क्लिक फाइल को करोगे तो उसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड. या Okay. Thank you. Next, Anoop Kumar ji, please ask your question. Namaste, ma'am.
मुझे बहुत अच्छा लगा कि विद्यालय में जो साइबर सेफ्टी क्लब जो बनाने की बात आपने सुझाया है ये रियली बहुत इंस्पिरेशनल है। तो मैं चाहता हूं मैम कि इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या हमें गाइडेंस मिल सकेगा कि मैं स्कूल में इस तरह का कोई सेफ्टी क्लब चला पाऊं। हाँ जी सर, हमारा स्कूल रूरल एरियाज में है। मैम मेरी आवाज जा रही है? मैम बिल्कुल आइए सर, मैं आपको क्वेश्चन भी समझ गई हूँ। और सर आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ मैम। झारखंड में कहाँ से हैं सर? रांची, रांची में हमारी पोस्टिंग है मैम। ओके, तो सर आपकी डिटेल थोड़े से आप चैट में डाल दो, हमारा हेड ऑफिस भी झारखंड में ही है, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे साइबर क्लब के लिए और हम आपको हेल्प कर देंगे अपने स्कूल में साइबर क्लब एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके थैंक यू। तो आपके डिपार्टमेंट में है झारखंड में? मैम मैं एजुकेशन में हूं, मैं टीचर हूं मैम। हां जी सर, पीजीटी हूं मैं। हां हां ओके ठीक है सर, आपके डिटेल्स मैं मोनिका जी से लेके ना फिर आपको कांटेक्ट करूंगी। ओके थैंक यू। और रवि रोशन जी बिहार से आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मेरा सवाल ये है कि हम अपने डिवाइस में कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा मतलब वेबसाइट है जहां से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? सर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और आपको हर ऐप में जाके आपको देखना पड़ेगा वो ऐप क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है और आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपने पहले दी होगी तो उसको अनचेक कर सकते हैं। Okay, और जब आप एंटीवायरस अगर आपके पास है अपने लैपटॉप के लिए एंटीवायरस चलाएंगे तो वो एंटीवायरस जो आपका ऐप में थोड़ा कोई वायरस रहेगा तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको क्लीन कर लेगा और आपको एक रिपोर्ट भी आ जाएगी। हाँ एक और प्रश्न था कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं और साइन अप कर देते हैं कभी कभी गूगल के थ्रू, तो क्या ये हमारे लिए सेफ है या हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने कितने साइट पे साइन अप किया अभी तक? हाँ ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि हम बहुत सारी वेबसाइट पे साइन अप कर देते हैं। तो अभी पीछे की बात मैं करती हूँ पर अभी आगे के लिए प्लीज अपने आप को कभी भी किसी वेबसाइट पे साइन मत कीजिए, जहाँ जरूरी हो वो कीजिए, फेसबुक वगैरह के थ्रू कभी मत कीजिए नहीं तो उस वेबसाइट के पास आपका फेसबुक का सारा डेटा भी चला जाएगा। ओके और अगर वो वेबसाइट या कुछ भी प्लेटफॉर्म वगैरह है तो वो भी चला जाएगा। तो अभी आप अपने प्रोफाइल में जाइए, गूगल वाले प्रोफाइल में जाइए, वहां पर राइट क्लिक कीजिए टॉप राइट पे और फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ड्रॉप डाउन में कि आप थ्रू गूगल कौन सी वेबसाइट पे गए हैं, तो उनको आप अनचेक अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैम फ्रॉम माई साइड, ये कुकीज को अलाउ करने के लिए कहता है या एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वो क्या है जरा मुझे बता दें। सर ये आपने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो कुकीज क्या होता है? जो कुकीज वो कहते हैं कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके जो इंफॉर्मेशन हमारी होती है, जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं कि हम क्योंकि ये आपका आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हमारे लिए फीडबैक है और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि हमको फिर कुकीज के थ्रू आपका पता चल जाएगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट टाइम आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो हम आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देंगे। अभी ऐसा अभी एक वेबसाइट पे गए हैं उसके बाद दोबारा गए ना गए, तो कुकीज वहां पे एक्सेप्ट कीजिए जहां पर आपको जिसके बिना आप उसको उसमें जा ना सके और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बाय गिविंग यू नो योर कंसेंट फॉर कुकीज, यू गिविंग कंसेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म शुड टेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपने उधर नोट करा है एंड ऑल्सो योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। सो मैं ये नहीं कह रही कि सारी वेबसाइट की सारी कुकीज खराब है, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मुझे जिधर मैं बार बार जाती हूँ मैं उधर से इंफॉर्मेशन लेती हूँ। तो आजकल एक थर्ड है एक्सेप्ट कुकीज येस और नो, एक एक थर्ड ऑप्शन होता है पार्शल डेटा का कि वो आपका सिर्फ जरूरी का डेटा लेंगे पूरा डेटा नहीं लेंगे, तो उस हिसाब से आपको जितनी जरूरत है उस चीज की, नहीं तो कुकीज के लिए मना कर दीजिए क्योंकि अगर आपको वो वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। अर्चना जी आप अपना सवाल पूछिए, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि टाइम एक्सीड हो रहा है अभी। हेलो मैम नमस्ते।
इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करते हैं और आवश्यकता अनुसार नए नए जो ऐप हैं वो इंस्टॉल करते हैं, बाद में उनको हम हटा भी देते हैं, तो जो हमने यस किया हुआ होता है वो जो जानकारी हमारी उनके पास जाती है क्या वो हमेशा के लिए रहती है या वो अनइंस्टॉल करने पर हम उससे बच सकते हैं? नहीं मैम, वो तो एक बार उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली तो ले ली, जो पास्ट वाली ले ली है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ये है कि आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे तो अभी आपकी फिर वो इससे आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। पर ये भी होता है कई इतने कहते हैं ना पकड़ू ऐप होते हैं कि आप उनको अगर अनइंस्टॉल भी करते हैं फिर भी उनके अंश कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डिस्क में रह जाते हैं, तो इसलिए जब आप ऐप डाउनलोड करें तो सोच समझ के करें। बताया था कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज रहा है तो वो सर्वर पर भी 00 या फिर डिजिट में जाता है तो कोई पढ़ नहीं सकता उसको, व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता, ऐसा प्राइवेसी में बोलते है। तो फिर अगर समझो कोई साइबर क्राइम हुआ है तो मैसेज का बैकअप कहाँ से लेते हैं? देखिए ये प्राइवेसी है, ये व्हाट्सएप जनरली अपनी कोई बैकएंड इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता, पर अगर कोई ऐसा साइबर क्राइम हुआ है तो गवर्नमेंट व्हाट्सएप से ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप की जैसे किसी ने कोई बहुत ही गलत काम करा है तो इंडिविजुअल को नहीं देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे, बट गवर्नमेंट कैन अप्रोच व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप लुक्स एट द यू नो सीरियसनेस ऑफ द होल थिंग एंड गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। यस मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। मैम एक बात पूछना चाह रही हूँ, कुछ दिन पहले हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर के साथ ये ऑनलाइन कॉल के द्वारा किसी LIC एजेंट ने पैसे मांगे और गलती से 55,000 उन्होंने ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सही नहीं था जो कि आज तक हमें नहीं मिला है। तो इसके लिए कोई मतलब कोई उपाय है क्या कि कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया थाने में जाकर। हाँ तो किसी ने गलत ले लिया तो पैसा, तो पहले तो ये देखा जाता है कि गलती किसकी है। अगर गलती इंडिविजुअल की है तो हमेशा पैसा नहीं मिलता, पर अगर गलती ऐसा है कि उसने अकाउंट से निकाल दिया, उसमें बैंक लायबल हो जाता है तो खुद ही ऑनलाइन पेमेंट किया, खुद ही ऑनलाइन पेमेंट किया तो काफी टाइम बाद, तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें गलती किसकी है। सबसे पहले अगर ऑनलाइन पेमेंट खुद ही करा है तो उसमें थोड़ा सा वो पर्सन के ऊपर पर्सनल ओनरशिप आ जाता है, पर अगर कहीं ऐसा हुआ है कि आपके ATM से पैसे निकल गए, किसी ने आपके कार्ड को क्लोन कर लिया या आपके अकाउंट को हैक कर लिया, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो उसमें जब रिपोर्ट फाइल करते हैं या कार्ड ब्लॉक करने पड़ेगा, ये सब करेंगे तो पैसा मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, तो पैसा मिल जाता है। पर्सनल गलती पे हमेशा नहीं मिलता, बिकॉज ऐसे तो हर कोई पर्सनल गलती करेगा और पैसा मिल जाएगा। जी मैम, ओके मैम, यही जानना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा कुछ लोग मेरा नंबर मांग रहे थे, नंबर तो मैं नहीं शेयर करूंगी। मोनिका जी, मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर लिया है, इफ इट इज ओके, क्योंकि माय एम इज की सबको हेल्प करना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास आ सके, और इस टाइप के और क्वेश्चंस हैं तो मेरा ईमेल आईडी dua.nisha@gmail.com है, मैंने चैट में शेयर कर दिया है। जी, तो आप लोग जिसको जुड़ना है मैम से, वो आप मैम को अपनी डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं, मैम विल बी अवेलेबल देयर। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज। सो यस जी, महेश जी बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट नहीं ले पाएंगे, सॉरी मैम। हम अपना स्क्रीन टाइम कैसे सेट करें?
सर आपके सेटिंग्स में जाइए, ये फोन पे भी डिपेंड करता है प्रोसेस एंड्रॉइड में, इसमें सेटिंग्स में जाके और स्क्रीन टाइम आता है तो स्क्रीन टाइम को आप सेट कर सकते हैं, उसमें आप अपना स्क्रीन टाइम जितना मैक्सिमम है वो सेट कर सकते हैं। आपको फोन कौन से अनलेस से कि आप रात को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आप रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फोन का रिंगिंग भी ऑफ कर सकते हैं, वो बेड टाइम हो जाता है। तो ये सब फोन में डिफरेंट है पर सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम में आ जाता है। किरण शिंदे बस लास्ट क्वेश्चन ले ले मोनिका जी, और बिकॉज़ अभी आपका नेक्स्ट सेशन भी है 3:30। आई थिंक अभी आप प्लीज सर अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं मैम को वहीं से पूछ लूंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम की क्योंकि हमें वैलिडिक्टरी की तरफ जाना है और ज्वाइंट डायरेक्टर भी ज्वाइन करेंगे, तो अब मैं और डिले नहीं कर पाऊंगी इस सेशन को। सो आई फॉर्मली थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल।